हेलो एवरीवन। सो आज मैं बनाने वाली हूँ ऑयल पेंटिंग, और एक्रिलिक और वाटर कलर पेंटिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑयल पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वाटर कलर और एक्रिलिक में क्या होता है कि वो जल्दी से ड्राई हो जाती है, और ऑयल पेंटिंग ऐसा होता है कि वो जल्दी ड्राई नहीं होती है, काफ़ी दिन तक वो गीली रहती है, तो हम उसके ऊपर कोटिंग नहीं कर पाते, उसको सूखने के बाद उसमें डिटेल वर्क ऐड कर पाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है, मतलब रंगोली के बाद मुझे ऑयल पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पहले मैंने वाटर कलर पेंटिंग भी बनाई है, आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी। और इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ये बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो गई थी, 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट हो गई थी। बट ऑयल पेंटिंग इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगी, और ऑयल पेंटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका जो कैनवास है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, किसी भी हार्ड बोर्ड पर या फिर जो हमारी फ्रेम आती है वुडन फ्रेम, उसके ऊपर पूरा टाइट होना चाहिए, है ना। और जो पोर्स होते हैं उसके पोर्स इतने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइमर कंप्लीट होना चाहिए। अगर प्राइमर आपके कैनवास पर नहीं है तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि प्राइमर कैसे करते हैं, उसकी सारी टेक्निक्स मैं बताऊँगी। और एक और टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप कैनवास पर ड्रॉ करें, जो भी आपका पोर्ट्रेट है या जो भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल ना यूज़ करें, आप कलरफुल पेंसिल्स यूज़ करें। क्योंकि अगर चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर ड्रॉ नहीं होता है, बार बार उसको रब करते हैं, तो हमारा जो कैनवास है वो ना ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, और हम उसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं तो डल हो जाता है ना, कलर्स हमारे डल हो जाते हैं। तो कलर्स आपके ब्राइट कैसे रहेंगे, आपको कौन सी पेंसिल्स यूज़ करना है, ड्रॉ कैसे करना है, प्राइमर कैसे अप्लाई करना है, और कोटिंग में वर्क कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पूरा ज़रूर देखना, वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते जाऊँगी कि कैसे आपको कलर्स लेना है, अप्लाई करना है, कैसे आपको प्राइमर यूज़ करना है, कितने कोट्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें भी। तो गाइस, जब भी हम फर्स्ट कोटिंग करेंगे ऑयल कलर की कैनवास पर, तो वो वाले जो कलर्स हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा थिक कलर यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे कोटिंग बढ़ती जाएगी लेयर बाय लेयर हम उसको ना थिन करते जाएंगे। और थिन हमको कैसे करना है, जैसे कि हम वाटर कलर और एक्रेलिक कलर में वाटर यूज़ करते हैं, बट ऑयल कलर में हमको ये गलती नहीं करना है। हम यहाँ पर 3 ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लिंसिड ऑयल, तारपिन ऑयल और कैरोसिन। ये तीनों चीज़ें हम ऑयल में मिक्स कर उसको थिन कर सकते हैं, और बेस्ट रहता है, इससे आपके ब्रश भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और आपके ब्रश ख़राब ना हो। इसके लिए हमने प्राइमर तो पहले ही अप्लाई कर दिया है, तो प्राइमर से थोड़ा सा जो हमारा जो सरफेस है वो पूरी सरफेस प्लेन हो गई है ना, तो उससे हमारे ब्रश भी ख़राब नहीं होंगे। सो गाइस, कलर अप्लाई करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं कि पहले जो हमारा बन शाइनर कलर है उसके अंदर ऑयल मिक्स करके पूरे कैनवास को कलर कर लेते हैं, ताकि वाइट पोर्शन कहीं पर भी ना छूटे। अगर हम कलरिंग अप्लाई करते हैं तो एक बेस जो हमारा रहता है वो एक ब्राउनिश टोन, जो लाइट ब्राउनिश टोन है वो आ जाए, और अगर ये नहीं करते हैं तो हम डायरेक्ट, एक और टेक्निक है जिसमें होता है कि सबसे पहले पूरे जहाँ पर भी डार्क डार्क शेड्स है, पूरे डार्क शेड्स अप्लाई होते हैं, उसके बाद लाइट के साइड आते हैं, है ना। सबसे पहले डार्क शेड अप्लाई किया, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, ये वाली टोन चलती है। और वाटर कलर में उल्टा होता है, वाटर कलर में क्या होता है कि हमारी लाइट टू डार्क टोन चलती है, बट ऑयल कलर में पूरा उल्टा है। और रंगोली में तो हम सारे कलर टोन मिक्स करके ही बनाते हैं, लाइट भी यूज़ करते हैं, डार्क भी यूज़ करते हैं, मीडियम टोन भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर जैसा होता है, क्योंकि हमको उसको अपर साइड से लोअर साइड की साइड बनाना होता है, क्योंकि वो फ्लोर पर होती है। बट ऑयल हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा यूज़ करती हूँ कि मैं डार्क लाइट सब मिक्स करते हुए कंप्लीट करते हुए चलती हूँ, मतलब एक फर्स्ट कोटिंग हमारा शेडिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करते हुए नीचे की साइड आती हूँ। आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, कोई सी भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं होता आर्ट की फील्ड में। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी आर्ट स्किल्स बढ़े, और जिसमें आप बहुत अच्छे से बना पाओ, मतलब मज़ा आए आपको बनाने में, वो वाली टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये सही है या ये गलत है।